कई लोग गोरे होने के नुस्खे आजमाने लगते हैं, कुछ गोरा होने के उपाय खोजने में लग जाते हैं, तो कुछ तरह तरह की क्रीम लगाकर चेहरे की बची खुची रौनक से भी हाथ धो बैठते हैं। इसलिए जरूरी है कि चेहरे को गोरा करने के घरेलू उपाय को आजमाया जाए, जिसका कोई बुरा प्रभाव नहीं होता। केसर सामग्री। केसर की कुछ लड़ियां, 2 चम्मच दूध, 1 चम्मच चंदन पाउडर बनाने और लगाने की विधि। 1 घंटे के लिए केसर को दूध में भिगो दें, फिर इसमें चंदन पाउडर मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इसे फेस पैक की तरह इस्तेमाल करें और 15 मिनट के लिए सूखने दें। फिर इसे पानी से धो लें। आप इस फेस पैक को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे फायदेमंद है? सालों से आयुर्वेद में त्वचा के लिए केसर का उपयोग किया जा रहा है। त्वचा के लिए इसके फायदों को देखते हुए इसे फेस पैक और क्रीम में उपयोग किया जाने लगा। यह एंटी सोलर एजेंट की तरह काम करता है, जो त्वचा को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट व एंटीनोसेप्टिव त्वचा को स्वस्थ रखकर लंबे वक्त तक जवां बनाए रखते हैं। केसर में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी है, जो त्वचा को जलन व शेज व खुजली की समस्या से राहत दिलाता है। अगर आप इसे हर रोज इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी त्वचा को बहुत लाभ होगा। केसर त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, इसलिए आप इसे क्रीम के तौर पर या केसर युक्त क्रीम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 केला सामग्री। 1 पका हुआ केला, 2 चम्मच शहद बनाने और लगाने की विधि। आप केला और शहद को मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। अब इस फेस पैक को चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए सूखने दें। इसके बाद गुनगुने पानी से चेहरा धो लें। कैसे फायदेमंद है? केले में विटामिन सी, पी और ई के साथ साथ अन्य पोषक तत्व भी होते हैं, जो त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। यहाँ तक कि केले के छिलके में भी कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो त्वचा को गोरा बनाने में और त्वचा संबंधी परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। केले के छिलके को मच्छर के काटने पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए आप केले के छिलके को भी डायरेक्ट अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। 3 खीरा सामग्री। 3 चम्मच खीरे का रस, 1 चम्मच नींबू का रस। रुई बनाने और लगाने का तरीका। 1 खीरे को कद्दूकस करके इसका रस निकाल लें। इसमें नींबू का रस मिलाएं। अब इस मिश्रण को रुई की मदद से अपने चेहरे पर लगाएं, फिर इसे 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगा रहने दें और बाद में पानी से धो लें। आप इसे रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे फायदेमंद है? खीरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को न सिर्फ साफ करते हैं, बल्कि टैन, जलन व खुजली जैसी समस्याओं को भी कम कर सकते हैं। खीरे का रस त्वचा को ठंडक प्रदान करता है। आप खीरे के रस को टोनिक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रोज खीरे का जूस पी सकते हैं, या अगर आपको जूस नहीं पसंद तो खीरे को सलाद के साथ अपने आहार में भी शामिल कर सकते हैं। 4 दलिया सामग्री। 3 चम्मच दलिया, 2 चम्मच दही या गुलाब जल बनाने और लगाने की विधि। दलिये को अच्छे से पीस कर पाउडर बना लें। अब इसमें दही मिलाकर पेस्ट बना लें। अगर आपको डेयरी उत्पादों से एलर्जी है तो गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इस फेस पैक को चेहरे पर लगा लें, फिर 15 मिनट बाद या अच्छी तरह सूखने के बाद इसे धो लें। आप इस फेस पैक को हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं। कैसे फायदेमंद है? दलिया त्वचा की परत को साफ करने का काम करता है। यह न सिर्फ त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाता है, बल्कि त्वचा की गंदगी को भी साफ करके त्वचा को मुलायम बनाता है। 5 चावल का आटा सामग्री। 1 चम्मच चावल का आटा, 1/2 चम्मच बेसन आधा या 1 चम्मच दही, 1/2 चम्मच हल्दी बनाने और लगाने की विधि। सभी सामग्रियों को मिलाकर पेस्ट बना लें। अब अपने चेहरे को अच्छे से पानी या क्लींजर से साफ कर लें। उसके बाद इस फेस मास्क को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं, 10 मिनट तक रहने दें, फिर पानी से धो लें। इस फेस पैक को आप हफ्ते में 1 या 2 बार लगा सकते हैं। कैसे फायदेमंद है? इस फेस पैक से न सिर्फ आपका चेहरा साफ और स्वस्थ होगा, बल्कि आपकी त्वचा में चमक भी आएगी। इससे आपकी रंगत में भी काफी हद तक फर्क नजर आएगा।